हेलो दोस्तों, आज हमारा मेहंदी का तीसरा दिन है और आज हम लोग पिछली क्लास से रिलेटेड सी और एस से जितने भी डिजाइन है वो सारे सीखेंगे। ये आंसू का ड्रॉप है और थोड़ा सा कर्व कर देने से ही ये जो है डिजाइन हमारा चेंज हो जाता है। आप लोग देख पा रहे हैं, जस्ट हल्का सा डिजाइन को हमने चेंज किया है और डिजाइन दूसरा बन जा रहा है। और ये जो है केचुआ के जैसा शेप है जिसे दोनों दिशाओं से हम बनाएंगे। और इस तरीके से आप जितना ज़्यादा पेंसिल की सहायता से जो है प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपका डिजाइन जो है परफेक्ट बनते जाएगा और आप खुद समझ पाएंगे कि कौन सा डिजाइन जो है अच्छा लग रहा है और परफेक्ट लग रहा है। आप लोग देख पा रहे हैं ये तीनों डिजाइन जो है एक दूसरे से अलग है। सारे गलती जो है हम लोग यहीं पर करते हैं और इस तरह के डिज़ाइन जो है एक फ्लो में बनाने की कोशिश करें, तभी आपका परफेक्ट बन पाता है। ये कलश का डिज़ाइन जो है हमारा बन गया और यहाँ पे हम लोग सारे भूल करते हैं। और उन सारे चीज़ों को जो है अब हम मेहंदी की सहायता से प्रैक्टिस करेंगे। और यदि आप बिगिनर हैं तो कोशिश करें कि कौन जो है अपने हाथ का मतलब बनाया हुआ मेहंदी से ही बनाए तो ज़्यादा परफेक्ट होता है, क्योंकि ये जो बाहर के मेहंदी है तो इसमें हवा वगैरह भर जाते हैं तो थोड़ी सी हम लोगों को दिक्कत आती है। ऐसे तो मैं मार्केट का ही यूज़ कर रही हूँ अभी और मैं भी अभी सीख रही हूँ, मतलब कि एकदम बिगिनर हूँ और वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि कहाँ पर मिस्टेक होता है। और आप लोग प्रैक्टिस करने से मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा बना पाओगे। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो हर किसी का शेप जो है अलग अलग हो गया है। ये डिज़ाइन जो है मेहंदी में बहुत ज़्यादा चलती है। और मेहंदी से प्रैक्टिस करने से होता ये है कि आपका प्रेशर और कंट्रोल जो है वो आप समझ पाते हो और बहुत ही जल्दी आपके में सुधार भी आएगा मेहंदी की सहायता से प्रैक्टिस करने से। और कोई भी परफेक्ट नहीं बना पाता है, सभी ऐसे प्रैक्टिस कर करके ही बनाते हैं। ये कलश का डिज़ाइन भी बहुत अच्छा मेहंदी में चलता है। तो इस तरीके से आप बने रहिए और बहुत सारी प्रैक्टिस करिए मेहंदी में और बहुत जल्दी आपका सुधार हो जाएगा।